आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व के शुभ अवसर पर समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम दामोदर नगर कानपुर के आश्रम में वृद्धजन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। वृद्धाश्रम में निवासरत सबसे बुजुर्ग वृद्ध महिला द्वारा झंडारोहण तथा उपस्थिति व्यक्तियों व वृद्धों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उपस्थित सभी वृद्धजनों को फूलमालाएं पहनाकर मिठाइयों का वितरण किया गया। संस्था सार्वजनिक शिक्षण संस्था के प्रबंधक डॉक्टर सुशील चंद्र द्विवेदी मधुपेश जी का मानना है कि वृद्धजन सदैव से हमारे मार्गदर्शक रहें, उन्हीं के अनुभवों को हम अपने जीवन शैली में अपनाते हैं। संस्थापक जी के मार्गदर्शन में ही उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में वृद्धाश्रम का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत वृद्धाश्रम के वृद्धजनों व कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकालकर आसपास के क्षेत्रों में घुमाया गया, जहाँ वृद्धजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा, हर घर तिरंगा का उद्घोष किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वृद्धाश्रम कानपुर के प्रबंधक श्री विकास पाठक, अनूप जायसवाल, सुमन वर्मा, अनिल मिश्रा, वैभव शुक्ला, आयुषी पंकज, जितेंद्र राम निवास व मनीष कांति व संस्था के अन्य कार्यकर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऋषभ मिश्रा व समाज कल्याण विभाग से जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ तक अपना जो शरीर था आजादी के लिए अपना दान कर दिया, इन्होंने जब मरते समय अपने प्राण त्यागे, तब इन्होंने भारत माते अपनी एक छोटी छोटी बाई थी और उसका छोटा सा ये नमूना मैं आपको सुनाती हूँ। ये माँ मेरी यादों को दिल में बसा लेना, ये माँ मेरी यादों को दिल में बसा बदनाम ना हो तू, दामन में छिपा लेना बदनाम ना हो आतू, दामन में छिपा लेना आजादी का परवाना, दे जाता है जलने को आजादी का परवाना, ये जाता है जलने को हंस हंस के मैं जल जाऊं, बस इतनी दुआ देना हंस हंस भारत माता की वंदे।